250। उससे पहले रविंद्र इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को पहुंचा देते हैं। बूथ कैप्चर होने की शिकायत जो है दर्ज कराई गई, मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली को पत्र भेजा गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बूथों पर अतिरिक्त फोर्स भेजने की भी मांग की जा रही है। दौसा से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और ये लिखा है पत्र में कि अतिरिक्त फोर्स जो है वो भेजा जाए क्योंकि बूथ कैप्चर हो सकता है, ऐसी शिकायत बीजेपी की तरफ से दर्ज कराई गई और यही वजह है कि पत्र लिखा गया है। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, लोकतंत्र के महापर्व से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा गया है बीजेपी की तरफ से और कहा गया है कि बूथ पर अतिरिक्त फोर्स भेजा जाए क्योंकि बूथ कैप्चर की शिकायत जो है वो हो गई है। और अब ये 10 बड़ी बातें। जी हाँ, अब तक जो चुनाव हुआ है, जो मत डाले गए हैं उसको लेकर 10 बातें आपको बताना चाहेंगे, मतदान की 10 बड़ी बातें। तीसरी बड़ी बात, सबसे ज्यादा 12 में मतदान हुआ है, सबसे कम डूंगरपुर में 6.76% मतदान हुआ है। पांचवी बड़ी बात, झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने मतदान किया है। छठी बात की अगर बात करें तो 3 दिसंबर को कमल खिलेगा, यह बयान वसुंधरा राजे का आया है। सातवीं बात, जयपुर में सचिन पायलट ने मतदान कर दिया। आठवीं बात, हमारी पार्टी में सब साथ साथ है, ये पायलट ने बात कही है। नौवीं बात, कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत मिल रही है, एक एक करके हमने आपको बताया भी। पीएम मोदी और गृहमंत्री ने मतदान की अपील करते हुए ट्वीट किया है, ये जानकारी भी हमने दी है। पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही कि प्रदेश की 199 सीटों पर वोट डाले जा रहे। दूसरी बात यह कि प्रदेश में अब तक यानी 9 बजे तक, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 2 घंटे के दौरान 9.77% मतदान हुआ है। और चुरू से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, सरदार शहर से मारपीट की खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान मारपीट की गई है, पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट की घटना सामने आई है, 5 से 7 लोगों पर मारपीट का आरोप भी लगा है। सूचना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। राजकीय अंजुम विद्यालय के बूथ की घटना बताई जा रही होती है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है, 5 से 7 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सरदार शहर से मारपीट की खबर सामने निकल कर आ रही है, पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है और मारपीट का आरोप जो लगा है वो 5 से 7 लोगों पर लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सूचना के बाद जैसे ही मारपीट की सूचना मिली तो वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया ताकि स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके और माहौल जो है वो ना बिगड़े, क्योंकि पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। 5 से 7 लोगों ने तस्वीरें भी देखे पल्लवी, तस्वीरें भी यहां पर सामने आई है, ये जो जब लड़ाई झगड़ा हुआ उस दौरान की तस्वीरें सामने आई है। जो खबर लगातार हम आपको चुरू के सरदार शहर से बता रहे हैं कि किस तरीके से सरदार शहर में वोटिंग के दौरान, मतलब वोटिंग चल रही थी उस दौरान अचानक ही मारपीट हो गई, भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहता है, लेकिन उसी बीच पुलिस ने या फोर्स ने भी वहां जो मारपीट हो रही थी उन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश की। लेकिन बड़ी खबर, और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट का आरोप लगाया गया है, यह मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। सरदार शहर में मारपीट की खबर, जहां पर पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट की गई, 5 से 7 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा है और पुलिस को जैसे सूचना मिली तो और ज्यादा पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया। ये जो पूरी मारपीट की तस्वीरें सामने आई है, राजकीय अंजुमन विद्यालय सरदार शहर चुरू के बूथ की सामने आई है और इसको लेकर अब लगातार पुलिस की तरफ से अतिरिक्त जाब्ते के साथ मुस्तैदी बरती जा रही है, सुरक्षा बलों की और तैनाती की गई है और साथ ही साथ जो मारपीट की गई है उनको लेकर भी आगे जांच की जाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, जांच की जाने की बात जरूर की जा रही है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। राजकीय अंजुमन विद्यालय के बूथ की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी है कि पुलिस बल वहां पर भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि जब वोटिंग वहां पर चल रही थी और इसी दौरान पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट की गई, झड़प हुई है। हालांकि उस दौरान स्थितियां क्या रही थी और किस वजह से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है इसके बारे में आगे जानकारी सामने निकल कर आएगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सिर्फ आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के जरिए आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये देखिए किस तरीके से झड़प हुई है और हाथापाई होते हुए नजर आ रही है। दो सहयोगी हमारे साथ, माफ कीजिएगा, दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ मनीष पारिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ प्रियदर्शी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं। देखिए दो तस्वीरें, अभी ये साफ नहीं है कि मारने वाला या पिटने वाला किस राजनीतिक दल से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों इस बात का खंडन करेंगे। प्रियदर्शी साहब, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिंसा की कोई जगह नहीं है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा शांतिपूर्ण मतदान की अपील भी की गई है। हम उम्मीद करते हैं प्रदेश की जनता से
कि वो शांति का माहौल बनाए रखेगी और एक स्वतंत्र परंपरा को लागू करेगी। जहां हम चर्चा में जी मनीष पारी जी से भी एक बार अपील। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, कोई जगह है हिंसा की चुनाव के दिन? मैंने आपको निवेदन किया कि जो ये अंडर करंट काम कर रहा है, आपने देखा पोलिंग परसेंटेज काम कर रही है, वो इन्हीं की करतूतों के कारण कर रही है। जो कानून व्यवस्था खराब हुई, जो लोगों के से झूठ बोला गया, जो रोजगार नहीं दिए गए, जो किसानों के साथ धोखा हुआ, उसका परिणाम है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आतुर हैं। मनीष जी, दावे अपनी तरफ है, यहाँ आपसे अपील करने की गुजारिश इस वजह से की जा रही है मेरे सहयोगी की तरफ से कि जब राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता, आप जैसे लोग नेता जो होते हैं, वो जब अपील करते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से और राजस्थान की जनता से, तो उनके अंदर एक मैसेज जाता है, आज का दिन है अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। आरोप प्रत्यारोप आप लोग लगाते रहिएगा, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, कम से कम इस वक्त ये अपील तो की जा सकती है सभी से कि शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का प्रयोग करिए जा करके वहां पर, ये की जा सकती ना मनीष जी? जी, मैं उसमें मुझे कोई ज्यादा जोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि जो लोग मतदान करने आए हैं, ये और उन सब को निवेदन करा है कि आपको अपने परिवार सहित वोट डालना है। ये आह्वान लगातार चल रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने भी निरंतर तौर पर ये कहा है, अपने पहले मतदान फिर जलपान, तो पहले मतदान करिए और फिर जलपान करिए। ये भी आस्पेक्ट बीजेपी में रेगुलर चलाया है और उसी का परिणाम है कि आज ओवरवेलमिंग जो रिस्पांस आ रहा है वोटर्स का, आज यहाँ वोट डालने आए हैं। मैं एक पोलिंग बूथ पर ही बैठा हूँ जहाँ से आपकी अटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी के सब कार्यकर्ताओं को सुबह पोलिंग बूथ पे होना होता है। और ये सब हमारे जो लोग यहाँ लेने आए हैं, पर्चियां अपनी ढूंढ रहे हैं मकान के और अपने अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब वहां पर ज्यादा लाइन लगी है, भीड़ लगी हुई है। इसका कारण यही है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन को लाने के लिए आतुर हैं। प्रियदर्शी जी, दौसा से भी यह खबर इस बीच आई है कि बीजेपी की तरफ से बूथ कैप्चर होने की शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त से की गई है, अतिरिक्त जाब्ता मंगाया जा रहा है। देखिए, अभी आपने एक अपील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेता को बोला तो वो राजनीतिक तुष्टिकरण की बात करने